इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाहर कम करिए, पूजन भजन रामायण पठन पाठन श्लोक दोहा चौपाई छंद सोरठा घर से शुरू करिए, घर में होए, घर में होए, भजन का संस्कार घर में होए, मोहल्ला में तो होइबे करी। अरे आदमी से न समाज बनत बा, हमरे आपसे परिवार, अब परिवार परिवार मिलकर समाज, तो हमन भगत हैं तो भगत लोगन के घर में सबके छूट केहू के न होए, सब लोग घर से उठे स्नान ध्यान करके थोड़ा मंदिर में जाएं बैठे 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट, लरिकन के दबाव देके ठाकुर द्वारी के सामने बैठने का अभ्यास कराइए, होना ही चाहिए। बिटवा हो बिटिया हो, अरे नहीं हम तो नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करोगे तो फिर नया कपड़ा कैसे पहनोगे? दबाव देकर, सुनते नहीं बच्चे, सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो सुख छीनेगा अपने आप। भय बस 18 साल तक केवल प्रेम बस नहीं, कुछ प्रेम बस और कुछ भय बस, भजन की आदत लगानी ही होगी, नहीं तो करेंगे नहीं। सब कुछ होकर क्या करेंगे भैया, कर ही नहीं रहे हैं, भज ही नहीं रहे। दबाव केवट देखिए, बच्चे पत्नी सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बंद के चरण चरण में प्रणाम किए, हथवा जोड़ के सब बैठे हैं और भगत जी केवट पांव पखार रहे हैं, पौआ पखार के धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी, बार बार पी रहे, बार बार चरणामृत भगवान का जितनी बार आ जाए। मेन गेट की लाइट को जलवा दो, कल तेरी राधे राधे। चरणामृत लेने की आदत पड़े हो, प्रसाद लेने की आदत पड़े, पांव छूने की आदत पड़े, आदर करने की आदत पड़े, इस सब का अभ्यास हो बच्चों को बेटियों को सबको। हाँ आदत लगाइए, यही न हमारी अपनी है जी, और क्या है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है। जितनी बार मिलो हाँ जय राम जी की, दंडोत, हाँ दंडोत, जय सिया दंडोत, जय बाल मिले तय बाल, जय सिया राम, दंडवत भैया मधुरी वाणी, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, सीता राम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे ओ मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजु जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजु जी को पानी लागे। केवट की सौभाग्य को देखकर आकाश से देवता कल्प वृक्ष के आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करते, कथा कहना और सुनना इसको ठट्ठे न मानिएगा, ये बड़ी कृपा के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होती है। कहानी बालकांड में बाबा ने आती हरी कृपा जाहि पर पाव दे एही मा रघु सो
भगवान की अति कृपा जिस पर हो वो सत्संग पथ पर पांव देता है, जाता है। तो ऐसे थोड़ी होता है, भगवान के पांव पखारने का सौभाग्य निषाद जी को जो नहीं मिला वो भगत राज केवट ने प्राप्त कर लिया। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गय। भगवत चरणामृत बड़े ही श्रद्धा के साथ स्नेह पूर्वक निष्ठा रखकर पान करना चाहिए। गौकर्ण बना के चार अस्त्र वस्त्र का बना के चरणामृत प्राप्त करना चाहिए। उस पार ले गए उतरी ठाढ़ भय सुर सहज देता सिया राम बुह लखन समेता। उतरी ठाढ़ सुर सहज देता सिया राम बुह लखन समेता। केवल कबूतरी प्रभु लखन सिय नहीं खजुके बटूले। विदा कीन करो नायतन भगति विमल। उतरी ठाड़ भय माँ गंगा जी के रेत पर माँ प्रभु निषाद जी लक्ष्मण जी महाराज उतर कर खड़े भए। केवट जी ने उतरते ही भगवान को साष्टांग दंडवत किया। केवट उतरी दंडवत कीना। दंडवत भी सबको नहीं आता, ये बड़ा कठिन है। खैर जो जैसे करता है वो करता रहे। माता लोग खास तौर से सुनो, माताओं को धरती पर माथ नवाकर प्रणाम करना निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। इतना करो बस महाराज दंडवत, इतने बहुत है।
अब जिसको दंडवत करना चाहिए वो तो फ्लाइंग करता, महाराज भागो नहीं तो आ रहे हैं। अरे जिसको दंडवत करना चाहिए वो दंडवते नहीं कर रहा है, और माता लोगों को नहीं करना चाहिए, कोई माथा नवाती रहती, कहो पर नहीं मनती है। पुरुष को दंडवत करना, स अष्ट अंग, ललाट, बल, हृदय, घुटना, कर, ये आठ अंग मन। ये जो अधो अंग है ये ऊपर रहेगा, पेट भी ऊपर रहेगा, केवल हृदय स्पर्श होगा। हम साष्टांग समर्पित होकर आपको वंदन करते हैं, ये साष्टांग दंडवत है करना। केवट जी ने किया, भगवान को संकोच हुआ, इन्हें कुछ दिया नहीं। पतिदेव की हृदय को जानने वाली, उनके हृदय के भावों को समझने वाली मेरी माँ पिय ही अकी सी जाननी हारी मणि मुद्रिका मुदित मन प्रसन्न होकर उतार दी। ले उतराई केवट जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आज मैंने क्या नहीं खा ली, आपके दर्शन हुए, नेत्रों से दोष समाप्त हो गए, मन से दुख चला गया, स्वभाव से दरिद्रता समाप्त हो गई, हृदय से ताप चला गया। अरे यही चार बात तो केवट जी ने कही, देखिए क्या पाया। भगवत भजन करके, भगवत शरणागति करके, भगवत प्रेम पढ़ाकर, तीर्थ यात्रा करके क्या मिलता है, ये दिखता नहीं है, ये जानने वाले को पता चलता है, है? देखो भगवत कृपा अनुभूति का विषय है, भगवत प्रेम अनुभूति का विषय है। जिसने अनुभूति किया उसको पता चलता है। कहा ना आगे वाल्मीकि बाबा कहेंगे, सोई जानई जेहि देव जनाई। केवट जी जान गए हैं, काह न पावा, आज क्या नहीं मिला, बहुत काल से जन्म जन्म से मजदूरी में लगा था, आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार उड़ेल दिया प्रभु। इसलिए अब कछु नाथन दीन अनुग्रह फिर तीन बार मोहि जो प्रसाद में सिर धर लौटते समय प्रभु, हिरते समय जो आप दे देंगे वो प्रसादी सिरोधार्य करेंगे। अभी तो सरकार यात्रा है, आप पधारो, यहां व्यवहार ध्यान रखना है। कोई घर से जा रहा हो तो उसे कुछ लेना ठीक नहीं है, उसको देकर भेजना चाहिए, आवे तो जो दे स्वीकार। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।